विराजमान जितने भी श्रोतागण जहां तक आवाज जाती है, सबसे पहले सुनील शर्मा हरिपुरिया की तरफ से आपको और पार्टी की तरफ से आपको हाथ जोड़कर राम राम। गाना बजाना सजनों बहुत दूर की चीज है, पंडितों ने कहा लखमीचंद ज्ञान कसौटी, गाना चीज नहीं से छोटी, और तिगुरुओं की घूर आ गया गणित का सहूर, चेले मिले थे भरपूर, नूर मनूर भर के बड़े अच्छे पे सहूर, तेरी निगाह से करूर वे निर्मारे के जरूर जो गुरूर करके। सामने किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए, जो भी कुछ देन है उस परम पिता परमेश्वर की देन है, उसकी इच्छा के बिना एक पत्ते तक नहीं हिलता। कोई भी कार्य शुरू करे तो उसको याद करना जरूरी होता है ताकि कार्य में सफलता मिले, और आज का तो दिन भी ऐसा है कि उसमें तो याद कर ही जाओ उतना है थोड़ा। तो बात बहुत सी सुनी हुई है, आपको एक ऐसी बात सुनाएंगे बहुत कम सुनी हुई, तो एक आधा बूढ़ा बुजुर्ग बैठा होगा ना, पंडित जी की बात है बहुत पुराने समय की, उनने सुनोड़ी पाओगी ना नई प्योद की सुनोड़ी को न पावे। बताते हैं कि पंडित जी एक बार शाम को समाप्त करके कुछ समय निंद्रावस्था के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी सी देर पंडित जी की आंख लगी, आंख लगते एक सपना देखा, पंडित जी का सारंगी वाला था दुड़िया खा, दुड़िया खा भी साथ में सो रहा था। दादा की एकदम चमक कहां खुली तो दुड़िया का भी कूनी मारी, ने बोला दुड़िया खड़े हो, ने बोला दादा इब तो सोए थे पढ़ने देगा कि नहीं, अरे ने बोला पढ़ेगा क्या, ऐसा देख लिया तू मीन सुन के निहाल हो गया, ने बोला दादा के देखा, ने बोला भाई सपना ऐसा है, ने बोला दादा इब मत बतावे तो, ने बोला कब, ने बोला शाम में जब सांग शुरू करे है जब बताइए। बताते कि दादा लक्ष्मीचंद ने सांग की शुरुआत करी, दुड़िया ने बोला दादा, ने बोला हां भाई दुड़िया, ने बोला सपना बतावण खातर सवेरे उतावला हो रहा था ने, वो सपना इब बता। तो बताते सांग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले दादा ने उस सपने का बखान किया कि सपने में क्या क्या देखा। सात दीप चौदह पवन लोखंड के
तक की हो।